एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द एस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आज की एक्सपायरी बहुत अच्छी गई है एंड अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर होंगे तो मैंने 9:13 मार्केट ओपन होने से पहले ही बता दिया था कि मार्केट एक छोटा सा गैप डाउन ओपन हो रही है और अगर वो स्टार्टिंग के आधा घंटा भी ऊपर नहीं जा पाए तो डेफिनेटली हम लोग ऊपर के सारे कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट नीचे ही क्लोज होने वाली है और एक गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वैसा हुआ। उसके अलावा हम लोगों ने 11:30 पे बोला था अगर 12:30 या एक घंटे के अंदर बाउंस नहीं आया और वो 2 बजे तक सस्टेन नहीं करा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे ही रहेगी और ऊपर कॉल राइटर्स आते रहेंगे एंड पुट राइटर्स ट्रैप होंगे। सो डेफिनेटली एग्जैक्टली हमारा अकॉर्डिंगली वैसा वर्क करा। अब बात करते हैं कि कल थर्सडे को किस फ्राइडे को किस थ्रू ट्रेड कर सकते हैं एंड कैसे अप्रोच लेकर चल सकते हैं। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे और देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने आज प्रॉफिट अर्न कर सकते थे अगर आज हमारे टेलीग्राम पे आप लोग बात सुन लेते हैं। चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे और बात करते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे भी आप लोग बाय करके चल सकते हैं। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों को सजेस्ट करा था। एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, प्लस इतनी बड़ी मूवमेंट देने के बाद ये एक अच्छा सा पॉज लिया था। आफ्टर क्वाइट सम टाइम ये 1 से 1.5 महीने तक पॉज लेता रहा एंड फाइनली उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और जो फॉल आया था एग्जैक्टली फिबोनाची के थ्रू 50% और 61% के रेंज के अंदर था। अब यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। 380 पे ही हम लोगों ने एक्चुअल में अपनी बाइंग करी थी। आप हमारे टेलीग्राम पे जाके 2 दिन पहले भी चेक कर सकते हैं। ये स्टॉक हम लोगों ने 2 बार रिकमेंड करा था उस दिन। अभी ट्रेड कर रहा है 392 रुपीज पे। कल अगर बाई चांस डिप आती है तो 380, 382, 381 तो भी आप बाय कर सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं करा। अदरवाइज अगर आप लोगों ने करा हुआ है तो हमारा टारगेट अभी भी सेम एग्जैक्ट है 415 से 420 रुपीज के बीच का। एंड आई पर्सनली थिंक ये आप रेंज देख रहे हैं, बहुत रेंज ये कंसोलिडेट हुई थी और उसका ब्रेकडाउन दिया था। आफ्टर दैट अब इस रेंज के अंदर दोबारा एक्ट करा है तो ये इसका टारगेट इजिली बन सकता है। 420 रुपीज का टारगेट है बायोकॉन के अंदर। अभी ट्रेड कर रहा है 390 रुपीज पे। कल अगर डिप मिलती है Definitely we can go for a buy because एक बहुत अच्छा breakout आया, 2 patterns का breakout आया है and market आज नीचे गिरी थी but ये stock sustain करता रहा। I think इस पर हम एक bet जरूर लेकर चल सकते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे stock की। So guys, हमारा दूसरा stock है NMDC। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जो exactly previous video आपने देखी होगी exactly same stocks में बता रहा हूँ, बट yes breakout आया है तो definitely ये suggest करना लगता है और इस पर आप लोगों को जब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही है परसेंटेज वाइज भी और ब्रेकआउट वाइज भी तो आई थिंक इस पर हमें ट्रेड लेना बनता है। अगर आप देखेंगे एक बहुत अच्छी मूवमेंट देने के बाद इसने एक अच्छा टाइम पॉज लिया, ऑलमोस्ट अगर आप मान के चलो तो 7 to 6 months तक ये पॉज लेता रहा, एक फॉल करता रहा और इस पूरी अपमूव का एग्जैक्टली 50% और 61% पे ही रेंज बाउंड करा और उसका ब्रेकआउट दिया। सिमिलर स्ट्रक्चर है। मेरा काम यह है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, कोई भी 3 स्टॉक्स दूँ तो मैं एक सिमिलर स्ट्रक्चर के ऊपर दूँ कि आप वीडियो को भी अंडरस्टैंड कर पाओ और जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको भी क्लियर समझ पाओ कि आप उसको इन फर्दर अपने भी स्ट्रैटेजी के अंदर इंप्लीमेंट करके बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन हुआ था, ये स्टॉक जो हमने बताया था कि आपको 150 के ऊपर बाय करना है, 149.85 रुपीज़ के ऊपर बाय करना है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। एंड हमारा ये भी डिस्कशन था कि 145 रुपीज़ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो हमने बात करी थी कि आप लोग अभी 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये शेयर में 100 क्वांटिटीज बाय करना चाहते हैं, प्राइस चल रहा था 145 रुपीज़ का, हमने कहा था आप 40 शेयर्स अभी बाय कर लो एंड जैसे ही इस पर्टिकुलर ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है आप 70 शेयर्स और ले सकते हो। एग्जैक्टली वैसा हुआ, हमने 30-40 क्वांटिटीज बाय करी। यहाँ पर हम लोगों ने आज पोजीशन और एड ऑन करा है, टेलीग्राम पे भी आप चेक कर सकते हैं एंड आई पर्सनली थिंक इसका जो टारगेट है वो 184-185 रुपीज का है एंड ऑन अ परसेंटेज वाइज अगर हम लोग डिसाइड करें सो ऑलमोस्ट 20 से 22% तक का ये स्टॉक रिटर्न देने के लिए कैपेबल है। 2 स्टॉक हो गए हैं, बात करते हैं लास्ट स्टॉक की, इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी की भी बात कर लेंगे। सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है जेके पेपर। जेके पेपर का भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है। समझेगा कि एक बहुत अच्छी बड़ी इंपल्स मूव आई, आफ्टर दैट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, एक छोटा सा पॉज लिया, इस लेवल से एक दोबारा बड़ी इंपल्स मूव आई एंड उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट इसने और लिया था। अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक लाइफ टाइम हाई था 28th of October 2018 को ये बना था, जिसका रिसेंटली इसने जून 2021 पे ब्रेकआउट दिया था। आफ्टर दैट 195 रुपीज़ के लेवल से ऑलमोस्ट ये 285 रुपीज़ तक चला गया था। बहुत बड़ी परसेंटेज वाइज मूवमेंट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। आफ्टर दैट इसी लेवल से फॉल आते रहा एग्जैक्टली अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई पे इसने रीटेस्ट लिया
एंड फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया। सिमिलर सेम स्ट्रक्चर अगर आप चेक करेंगे, एक बड़ी इंपल्स मूव, तो फिबोनाची यहाँ पर भी आपको बना के दिखा देते हैं। दिस इज आर बॉटम एंड दिस इज आर टॉप। सो अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो क्लियरली आपको यहाँ पर दिख जाएगा 50% और 61% पे ये आया, इसी के अंदर कंसोलिडेट करा दो हफ्ते, फाइनली जब ब्रेकआउट दिया वहां पर हमारा बाय सेटअप जनरेट हो गया। इसके अलावा हमने लास्ट दो स्टॉक्स पे क्या बताया था, एक तो फिबोनाची और एक फ्लैग पैटर्न। सिमिलरली यहाँ पर एक बड़ी इंपल्स मूव देने के बाद एक फ्लैग पैटर्न बनाया, इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अगेन एक बड़ी इंपल्स मूव दी है, और जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसका जो हाई था एग्जैक्टली उसी हाई के ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग दिया आज के ट्रेडिंग सेशन पे। सो आई पर्सनली थिंक ये स्टॉक भी एक अच्छी मोमेंटम दे सकता है। हम जो टारगेट अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी अराउंड 260 रुपीज का, जो कि मिनिमम टारगेट है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक बड़ी मोमेंटम हो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक अगर आपको अच्छा रिटर्न वाइज चाहिए तो ये तीन स्टॉक्स आप लोग अपने पोर्टफोलियो या एज अ स्विंग ट्रेड अगर आप प्रेफर करते हैं तो इन तीन स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बट ट्राई करना कि आप तीनों को बाय करें, लेस क्वांटिटी ले। अगर आपके पास कैपिटल कम है होगा क्या, एक स्टॉक अगर नहीं चला तो दो चल के आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, बट वी डोंट नो कि कौन सा नहीं चलेगा। होने को सारे चल सकते हैं, होने को कोई भी नहीं चल सकता। बट आप अपना रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हो इन तीनों स्टॉक्स पे लेके, कम कम क्वांटिटी, एक नहीं चला तो दो में प्रॉफिट डेफिनेटली मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और देखते हैं कि आज जो हम लोगों ने डिस्कशन करा था एग्जैक्टली वैसा वर्क करा या नहीं। सो गाइस हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे आ चुके हैं, एंड अगर आप देखेंगे तो 9/13 को हम लोगों ने एक रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी, वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि इस पे ना मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चार्ट्स में नहीं बता सकते, बट यहाँ पर जो साइकोलॉजी फैक्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी पॉइंट्स होते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे से ऑडियो के थ्रू कवर कर लेते हैं। एंड मैंने छोटा सा लिख भी दिया था जो इस ऑडियो के अंदर था कि बोथ इंडेक्सेस नीड टू बी इन ग्रीन इन नेक्स्ट 30 मिनट्स इन ऑर्डर टू मेक अ बुलिश मोमेंटम। अदरवाइज अगर 30 मिनट्स पे वो नहीं सस्टेन कर पाया ऊपर तो हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड हम ऊपर की सारी कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 11:35 पे आपको अभी बताया था कि हमने बोला था विद इन अगर 1 आवर एक रिकवरी आती है और वो सस्टेनेबल होती है तो ही हम लोग अपना बाय मोमेंटम लेकर चलेंगे या फिर अपने जो पोजिशंस लेकर रखी थी उनको एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज एक फॉल दोबारा कंटिन्यू होगा। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो हुआ, सारी चीज़ें फॉलो हुई, आप देख सकते हैं एक अच्छा फॉल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला, एक इस लेवल से रिकवरी आई, बट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉल एंड आफ्टर दैट टारगेट अचीव, ये सस्टेन नहीं हो पाया। सो आई थिंक अभी तक का बढ़िया चल रहा है। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी की और देखते हैं एक्चुअल में कि किस तरीके से हमने अप्रोच लेकर चली और क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं जो समझने चाहिए। बिकॉज अगर आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज देखते होंगे, आई नो पर्सनली कि आप 3 स्टॉक्स 5 स्टॉक्स के मल्टीपल यूट्यूबर्स वीडियोज बनाते हैं, बट दे डोंट टेल यू अबाउट द फैक्ट्स, दे ऑलवेज टेल यू कि इस लेवल पे बाय करना है, इस लेवल के नीचे सेल करना है। और आई थिंक आप पर्सनली यहाँ पर अर्न कर पा रहे होंगे, आई डोंट नो अर्न कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बट आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। सो रिमेंबर दैट सीखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब आपको वो कॉल्स देना बंद कर दे और आप मार्केट के अंदर अपनी पूरी कैपिटल लूज कर दो। सो एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी को समझते हैं एंड देखते हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का यूज करके, बेसिक चीज का यूज करके हम मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हैं। तो हम लोग ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है उसको समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली ये वाली जो कैंडल है इसका बॉटम है, इस कैंडल से एक मोमेंटम आना एक्चुअल बेसिस पे स्टार्ट हुआ था। आप देखेंगे ये कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पे थी, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ और नेक्स्ट डे भी गैप अप ओपन हुआ। सिंपल हम बेसिक समझेंगे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे वर्क करा जाता है, सिंपल समझेंगे, कोई एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फैक्ट्स यूज नहीं करते। हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब बॉटम से रिकवरी आई तो हर टाइम हम लोग एक गैप अप ही देख रहे हैं, हर टाइम गैप अप देख रहे हैं और हर टाइम हम देख रहे हैं कि प्रीवियस डे का जो क्लोज है उसके ऊपर ही जाके क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा अलग क्या हुआ जो मैंने आपको बोला कि हम शॉर्ट करेंगे? आप देख सकते हैं ये इसका क्लोजिंग प्राइस है और आज का ओपनिंग प्राइस उसके नीचे है। सिचुएशन आप समझ गए कि हर दिन एक गैप अप हो रहा है लास्ट फ्यू डेज से, बट आज एक माइनर सा गैप डाउन देखने को मिला, यानी कि इस लेवल पे भी क्लोजिंग के टाइम पे बहुत सारे बायर्स एक्टिव थे तभी गैप अप हुआ, इस लेवल पे भी बायर्स एक्टिव थे गैप अप हुआ, बायर्स एक्टिव ही एक्टिव हो जा रहे हैं। बट इस कैंडल जब ये बनी, जब ये क्लोजिंग देने वाली थी, वहां पर बायर्स एग्रेसिवली एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हुए, एक्चुअल में वहां पर ज्यादा शॉर्ट पोजिशंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। वो कैसे पता चला? पहली चीज गैप अप देखने को नहीं मिला जो पास्ट में हमें देखने को मिल रहा था।
दूसरी चीज, एक माइनर गैप डाउन देखने को मिला है। दैट मींस जिस लोगों ने भी यहाँ पे बाय कर रखा होगा, इस लेवल पे बाय कर रखा होगा, डेफिनेटली अगर वो गैप डाउन है, कॉल राइटर्स एक्टिव होंगे। रिमेंबर दैट एक्सपायरी थी, तो यानी कि कॉल राइटर्स जीतेंगे या फिर पुट राइटर्स जीतेंगे। तो हमें पता चल गया अगर गैप डाउन हो रहा है तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि कॉल राइटर अपनी पोजिशन ऊपर बनाना स्टार्ट कर देंगे। जितने भी सेलर हैं वो स्टॉक इस इंडेक्स को ऊपर नहीं जाने देंगे बिकॉज ऑफ द गैप डाउन। पहली बार उन्हें एक हफ्ते के अंदर ये सेंटिमेंट मिला था। सो डेफिनेटली हमने क्या बोला, अगर आधे घंटे के अंदर पुट राइटर एक्टिव नहीं होते हैं, जो कि यहाँ पर हमें पुट राइटर्स का ही कंट्रोल दिख रहा था और कॉल बायर्स का, बट अगर यहाँ पे कॉल बायर्स या पुट राइटर्स एंटर नहीं हो पाए या फेल हो गए एंटर होने में, तो कॉल राइटर्स हैवी हो जाएंगे और हर 50 रुपए वाली स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स आते रहेंगे और मार्केट नीचे ही जाने वाली है। एग्जैक्टली वैसा हुआ। सो लेट मी ओपन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर यू। जैसे हमने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन करा, आप इस प्राइस को चेक कर सकते हैं किस प्राइस पे। डेफिनेटली यस, यहाँ पर आप चेक करिएगा इस लेवल पे ये गैप डाउन आज के दिन हमें ओपनिंग देखने को मिली है। ये जैसे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, कंसिस्टेंट बेसिस पे नीचे जाता रहा। हमने कहा था आधा घंटा मिनिमम लोग वेट करते हैं, आफ्टर दैट ये क्रूशियल लेवल था बिकॉज इसी लेवल पे गैप अप हुआ था, उसके बाद मल्टीपल सपोर्ट्स भी इधर मिले थे। फाइनली इट गेव अ ब्रेक डाउन, इट गेव अ रीटेस्ट, रीटेस्ट पे बताया एंड एक बहुत बड़ा फॉल दोबारा देखने को मिला। आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। इट्स अ बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो सबको पता होने चाहिए एंड इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। अब होता क्या, मैंने आपसे क्या कहा था, आधे घंटे के अंदर जितने भी फॉल आ रही है कॉल राइटर्स शॉर्ट करते रहो, जितनी कॉल शॉर्ट कर सकते हो। 17,800 की शॉर्ट कर सकते थे, 17,750 की कर सकते थे, 900 की कर सकते थे, 650 की कर सकते थे और आपको हर जगह पैसा मिलता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब ओपन करते हैं ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड लेट्स चेक कि किस तरीके से काम करना है। देखिए सबसे पहली बात तो हमें समझनी होगी कि एक बहुत बड़ी मोमेंटम आई, एक छोटा सा फॉल करा, फॉल करने के बाद इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एट दिस प्राइस, ठीक है। आफ्टर दैट एक रिकवरी आ रही है, रिकवरी आ रही है ऑन अ हायर हाइस एंड हायर लोस, ठीक है। सो फॉर नाउ हमारे लिए जो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, दैट शुड बी एट दिस लेवल। सो अगर इस लेवल पे फॉल आता है और एक बड़ी मोमेंटम दोबारा देता है, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि एक बुलिश मूवमेंट आ सकती है। रादर देन दैट अगर यहाँ पर आप देखेंगे अपमूव रिट्रेसमेंट, अपमूव रिट्रेसमेंट एंड अगेन एक अपमूव, तो एक डेफिनेटली रिट्रेसमेंट हम लोग मान के चल सकते हैं। अभी रिट्रेसमेंट कहां तक आएगी, दिस इज आर बॉटम, दिस इज आर टॉप, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मिनिमम जो फॉल आ सकती है वो इस लेवल पे आ सकती है। और अगर इस लेवल से बाउंस करती है और इस रेंज के ऊपर जाती है तो भी बाय है, अदरवाइज एक कंटिन्यूअस फॉल आता है और इस लेवल पे पॉज लेके ऊपर जाती है तो हमारे लिए बाय है। दो अपॉर्चुनिटी पे हम लोग अपना बाय कर सकते हैं और इन दोनों लेवल पे ये कभी भी कंफ्यूज मत होना कि अब दोबारा एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। जैसे मार्केट चल रही है, रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, प्रेजेंट पे लिव करना सीखो। अगर आप यही सोच रहोगे अब क्रैश आएगा अब क्रैश आएगा, तो ट्रेड नहीं ले पाओगे। एक बार समझते हैं बैंक निफ्टी को एंड उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं बिकॉज आज एक्सपायरी थी तो ओपन इंटरेस्ट डाटा में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। सो बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर दिया एंड यहाँ पे हम लोगों ने जो रिएक्शन लिया था वो एग्जैक्टली निफ्टी के थ्रू लिया था। बैंक निफ्टी में गैप डाउन गैप अप होते रहते हैं बिकॉज वो वॉलेटाइल है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते थे, बट पॉइंट एग्जैक्टली सेम था। हुआ क्या था, लेट मी टेल यू अगेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा रेंज था एंड पास्ट फ्यू डेज से हम लोग बोल रहे थे कि हमें सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है और हमने बैंक निफ्टी के अंदर बहुत प्रॉफिट अर्न करा है ऑन एक्चुअल बेसिस, और ये महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चल रहा है जब से स्टार्ट हुआ है। आप देखेंगे ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था, फाइनली हम लोगों ने बात करी थी कल के ट्रेडिंग सेशन पे कि इसका लेवल, सॉरी परसों के ट्रेडिंग सेशन में हमने बात करी थी कि इस लेवल का जैसी ब्रेकआउट होता है एक बड़ी अपमूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ एट 38,800 पे एंड 39,400, 600 पॉइंट ऊपर तक भी ये गया था एंड आफ्टर दैट एक फॉल आ रहा है, तो यस यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है बिकॉज ये रेजिस्टेंस था, गिव अ ब्रेकआउट, तो शायद पॉसिबल एक रिवर्सल, सॉरी रीटेस्ट आ सकता है। सो व्हाट वी कैन डू, ये आप एक जोन देख रहे हैं, ये एक जोन है, जैसे इस जोन के अंदर अगर आके रिवर्स करता और इस ब्लैक लाइन के ऊपर जाके कैंडल 30 मिनट्स की क्लोज होती है, एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट हो रहा है, अगर आप देखेंगे एक इंपल्स मूव आई, लेट मी शो यू, यहाँ पे ये एक इंपल्स मूव आई, एक फॉल करा, कहाँ तक फॉल करा आप चेक कर पा रहे होंगे क्लियरली, 50% और 61% पे। इधर हम लोग ने बाय करा, आफ्टर दैट ये पूरी की पूरी इंपल्स मूव को हमने कैप्चर करा, आफ्टर दैट दोबारा जो फॉल आया, जिस फॉल कहाँ तक आया, 50% और 61% पे। सिंपल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है, दोबारा इस पूरी मूवमेंट को कैप्चर करा, यही हमारा टारगेट था बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। हम यहाँ पर एग्जिट करें,
फिर फॉल आया, इस लेवल पे हमने दोबारा री एंट्री करी। अगर आप आपको कंफर्मेशन चाहिए कि सर आपने री एंट्री दी का, सो यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पर मैंने सारी कंफर्मेशन वहां पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड करवा रखी है। इस लेवल पे बाय करने के बाद क्या हुआ था, हम लोगों को एक बड़ा गैप अप देखने को मिला था एंड वहां पर हम लोग एग्जिट कर गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ है, आज के ट्रेनिंग सेशन पे डेफिनेटली एक फॉल आया। फॉल आने के बाद अगर इस लेवल पे बेस लेता है तो यस देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। अदर देन दैट, ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये भी 50% और 61% तक फॉल कर सकता है और यहां से रिवर्सल ले सकता है। अब पॉसिबिलिटी समझिएगा, अभी हमने बात करी है कि निफ्टी अपने किस लेवल तक आ सकता है, 60-51% तक लेवल तक आ सकता है जो हमने डिस्कशन करा, यानी कि फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो लेवल जो था वो सस्टेन नहीं करा। अगर वो गिरता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी इस लेवल तक आ सकता है, तो यानी कि वहां पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट था निफ्टी के लिए और यहां पर भी एक सपोर्ट बन सकता है। तो यस वी कैन एक्सपेक्ट कि एक या दो दिन में एक छोटी सी फॉल शायद आ सकती है और वहां पर बाय करने के अच्छे मौके हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप पॉइंट समझ गए। सारी एनालिसिस बिल्कुल सेम थी, 50% और 61% के अंदर फिबोनाची आता था, उसके अलावा फ्लैग पैटर्न टाइप बनाता था एंड हायर आइज एंड हायर लोस। सारी निफ्टी बैंक निफ्टी सारे स्टॉक्स की सेम एनालिसिस है, तो प्लीज इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिएगा। ट्राई टू मेक योर नोट्स, अप्लाई दिस एग्जाम पैटर्न्स ऑन योर चार्ट्स और आई पर्सनली थिंक कि आप लोग मार्केट के अंदर और ज्यादा टाइम सस्टेन कर पाओगे। हैव अ वेरी गुड डे गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज श्योर लाइक करिए इस वीडियो को एंड बहुत इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल कंसेप्ट के साथ मैं ये वीडियोज बनाता हूँ, सो आई पर्सनली थिंक आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियोज कैसी पसंद आई एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाल सकते हैं एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय बाय।